Hello everyone, my name is Talvinder Singh and in this video we are going to discuss about 30th September 2021 IELTS exam. So this is just a prediction video. Okay, you should not fill your IELTS exam based on this video or any of other prediction videos. This is just a guesswork and it probably can go wrong as well. So if you are thinking that this prediction is going to be true, then it's not actually the case. Yes, our guesswork usually gets true, but we cannot claim that it will definitely be true because we do not have any kind of insider information. This is just based on the trends and whatsoever is going on in today's IELTS exams. So we just predict from the previous IELTS tests. Okay, agar hum baat kare listening ki, to part 1 mein one word fill ups aane ke chances hai and iske level rahega easy. Part 2 mein MCQs and map aa sakte hain, easy to moderate iska level rahega. Part 3 mein long MCQs and aap information matching ko expect kar sakte ho. MCQs jo hoge thode se zyada tough ho sakte hain, information matching jo hai wo thoda sa easy hoga, iska level rahega moderate. And part 4 jo hai wo thode se faster ho sakte hain, but iska jo answer hai aapko bahut easily sun jayega agar aap thoda sa focus karoge to. Okay, overall jo listening hai humne isko rakha hai easy to moderate category mein. उसके बाद if we talk about reading before moving that, if you are new here then please consider subscribing and do not forget to hit the bell icon. ये मेरा telegram group है, इसको join कर सकते हो, आपको latest information यहाँ पे मिलेगी. क्यों कर अगर नए आते हैं जो final version pending है तो वो भी सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा. अगर आपको कोई भी query है you can mention in the comment section or you can send me text over my Instagram. Okay, अगर रीडिंग की बात करें, पैसेज वन जो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके ये इस तरह के आपको जो है क्वेश्चन मिल सकते हैं एंड इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा इजी टू मॉडरेट. पैसेज टू में आपको एमसीक्यूज एंड फिलअप्स आ सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी आ सकते हैं, इसमें सिनोनिम्स थोड़े से ज़्यादा घुमा फिरा के दिए होंगे. सारी जो आपकी रीडिंग होती है वो सिनोनिम्स की खेली होती है, अगर आपके सिनोनिम्स अच्छे या क्लियर हैं तो आप रीडिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हो. पार्ट टू में एमसीक्यूज एंड फिलअप्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिलअप्स वो जो होते हैं ना समरी वाले, वो वाले ट्रिकी हो सकती है ये. पार्ट थ्री जो है पैसेज थ्री है, यस और नॉट गिवन, एमसीक्यूज एंड हेडिंग्स, तीनों में से आप इधर तीनों और आप इनमें से कोई भी दो एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा मॉडरेट. ओवरऑल रीडिंग को हम रख रहे हैं मॉडरेट लेवल में. ओके, अगर हम बात करें राइटिंग टास्क टू की, तो राइटिंग टास्क टू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अच्छा, राइटिंग टास्क टू के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, अग्री डिसअग्री, डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, और इजी से पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, इन दोनों को मैं सेम ही कंसीडर करता हूँ. इनमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मॉर्निंग या इवनिंग स्लॉट में इनमें से कोई ना कोई आएगा. टू पार्ट क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें कि इनमें से कोई भी दो चीज़ें उठा के आपको डाल देते हैं. राइटिंग टास्क वन पाए बार टेबल लाइन, चारों को प्रिपेयर कर लो, इनमें से कोई या इनका जो है कॉम्बिनेशन आपको आ सकता है. ओवरऑल जो टेस्ट रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा. लास्ट जो टेस्ट है ये एडिशनली ऐड हुआ है. ओके, सो इफ़ यू लाइक माय वर्क देन प्लीज़ प्रेस बिग फैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय.